टू आवर चैनल सोनम मौर्या ब्लॉग्स। और हम अभी घूमने आए हुए हैं सरदार पटेल पार्क, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के घर से कुछ ही दूरी पर है। और ये पटेल पार्क के बाहर इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। पार्क तो छोटा ही है लेकिन बहुत ही खूबसूरत पार्क है। और आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको ये पार्क कैसा है वो दिखाने वाली हूँ। ये पटेल पार्क के बाहर इस तरीके से यहाँ पर स्टैचू तो नहीं लेकिन वो दीवार पर बना हुआ है। और यहाँ पर फ्लावर के लिए गमला इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। और ये है मिस मंजू, हम लोग अभी टिकट खरीद रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग पार्क में मस्ती करने वाले हैं। हाँ ठीक है, बस रख अपने पास, चलो हो गया। और देखिए वो चिल मार रही है, हाय ओ। और हम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं। और ये पार्क आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है। और अभी पार्क में बहुत अच्छी हवा भी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी यहाँ पर है, तो हम अभी कुछ देर यहाँ रहेंगे और बस उसके बाद फिर कुछ इधर उधर मस्ती करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। अरे देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लाइटिंग की हुई है यहाँ पर। हाँ यार अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कैसे ब्लू कलर का भी है यहाँ पर। ब्लू कलर इसे कहाँ दिखाई दे रहा है? ओ ये दूर से पता नहीं चला, मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक जाकर। और फ्रेंड्स ये सरदार पटेल पार्क है इसलिए यहाँ पर सरदार पटेल जी की मूर्ति लगी हुई है। और ये यहाँ पर रोड बना हुआ है इस तरीके से जाने के लिए। देखिए वो वहाँ पर सुसाइड करने के लिए खड़ी है, लेकिन वो सुसाइड भी करेगी ना तो मरेगी नहीं, बच जाएगी। यहाँ से खुद का कोई सुसाइड नहीं कर सकता है। कर सकता है अगर तुम करना चाहो तो। पॉसिबल है, तो सारे लोग यहीं सुसाइड करते हैं। अच्छा, और यहाँ स्टैचू के ऊपर इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। क्या जी कैसा लग रहा? बहुत अच्छा, तुमको भी आना चाहिए। हाँ सही बात है, मैं तो हमेशा कैमरे के पीछे ही रहती हूँ, मुझे भी आना चाहिए। और ये पार्क में डॉगी देख सकते हैं, ये भी हम लोग की तरह यहाँ पर घूमने के लिए आए इवनिंग वॉक के लिए। अरे वाह रे, आइस कितना डेंजरस दिख रहा है ना। और फ्रेंड्स यहाँ जहाँ पर स्टैचू बना हुआ है ना, वहाँ पर ऊपर जाने के लिए इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ पर, तो अब मैं ऊपर जा रही हूँ। अच्छा लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से क्यों आना है, यहाँ अलाउ नहीं है नहीं। और ये यहाँ पर इस तरीके से सर्कल करके बना हुआ है डिजाइन। फूल बना हुआ है कितना सुंदर। हाँ सही बात है। और यहाँ इस तरह से किनारे में पौधा लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से यहाँ पर घास के लिए, घास का थोड़ा सा छोटा सा फील्ड बना हुआ है पर जाना अलाउ नहीं है। मॉर्निंग में आप जा सकते हो, मॉर्निंग में अगर इस पार्क में आओगे ना तो ये यहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। लेकिन इवनिंग में आओगे तो चार्ज भी लगेगा और यहाँ पर चार्ज सिर्फ 10 रुपीज़ लगते हैं, अभी तक तो 10 लगते हैं, अब पता नहीं आप कब आओगे, तो अभी तक 10 लगते हैं, तो आप आओ तो आप 10 रुपये दे करके घूम सकते हो। तो अब हम आपको दिखाते हैं एक बड़ा सा डायनासोर। नहीं ये बड़ा सा डायनासोर नहीं है, वो डायनासोर है अभी कि नहीं है पता नहीं हमें। वो अच्छा वो तो कौवा लग रहा है, कोई बर्ड है यहाँ पर, ये तो कौवा लग रहा है मुझे। हम यहाँ पहली बार आए हुए हैं और केला का भी पौधा लगा हुआ है। हाँ देखिए ये पार्क है लेकिन देखिए यहाँ पर आपको केले के भी पौधे दिखाई देंगे।
पार्क में तो मैंने पहली बार केला का पौधा लगे हुए देखा है। और ये तो पता नहीं क्या है, पर कलर बहुत अच्छा है इसका। बहुत ही ज्यादा। और आगे तो मेंढक भी दिख रहा है हमको। कहाँ है मेंढक? वहाँ पर देखो। ओह, और ये यहाँ पर मेंढक बना हुआ है। और ये पार्क के बगल से रोड पार हुआ है यहाँ पर। ये एक कॉलोनी के बीच में है, कहीं दूर पर नहीं है। और ये प्लेस जहाँ आप, ये MS धोनी के घर के पास में है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो आप अगर आओ तो आपको आने में यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप आ सकते हो इजीली। फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको और भी पार्क का पूरा एरिया दिखाने वाली हूँ। और मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्क को दिखा पाऊँ, ताकि जब आप आओ घूमने, तो घूमने से पहले ही आप समझ लो कि ये पार्क कैसा है। और जब भी आप आओ रांची तो आप घूमो यहाँ पर। ये पार्क जो है हरमू एरिया में पड़ता है, तो आप आओ तो यहाँ पर आओ घूमने। और अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगी। और यहाँ पार्क में देखिए साइकिल भी चला रहा है छोटा सा बच्चा। और हाय, अच्छा लग रहा है, बहुत मस्ती हो रहा ना। और यहाँ पार्क के बगल में पानी का टंकी भी बना हुआ है, काफी बड़ा है। बाहर है। हाँ, वो पार्क के बाहर है, पर हाँ। पार्क से सटे हुए है, इसलिए लग रहा है कि पार्क में नहीं नहीं, ये पार्क में नहीं है, पार्क के बाहर है। यहाँ पर झूला भी बना हुआ है। और झूला के साथ साथ देखिए वो वहाँ आपको दूर से भी दिखाई दे रहा होगा, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर बैठने के लिए बना हुआ है, आप बारिश में भी आसानी से यहाँ पर बैठ सकते हो। वाह, इसमें मैं जाऊँ क्या? सुन ना, कोई देखेगा ना तब समझ में आएगा, ठीक है? ये देखिए इतना बड़ा सा बच्चा है। और यहाँ पर खेलने के लिए जगह बनाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, वो बैडमिंटन खेल रही हैं। हार गई, हार गई, तुम हार गई। बाहर जा रहे पार्क से, और आपको ये पार्क कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और छोटा है पर बहुत अच्छा है, तो हमने बहुत एंजॉय भी किया, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।